ऐतिहासिक जीत, महामुकाबला इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच। सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड को बड़े अंतर से इंडिया ने हराया। फाइनल में पहुंची भारतीय टीम। न्यूजीलैंड को जीत के लिए 398 रन चाहिए थे। मोहम्मद शमी ने बरपाया न्यूजीलैंड पे कहर। लगातार विकेट पे विकेट शमी ने चटकाए भारत की ऐतिहासिक जीत वर्ल्ड कप में। सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड को बड़े अंतर से भारत ने हराया। फाइनल में पहुंची भारतीय टीम। और 70 रन से ओवर तक खेलते हुए मैच हार गई है। मोहम्मद शमी ने 7 विकेट लिया और कहीं ना कहीं विराट कोहली की अच्छी बल्लेबाजी और जो श्रेयस अय्यर थे उनकी आतिशीबाजी ने इंडिया को बड़े अंतर से जीत दिला। यह तस्वीरों में आप देखिए, देश भर में जश्न का माहौल है। इंडिया ने न्यूजीलैंड से बदला ले लिया और फाइनल में टीम इंडिया पहुंच चुकी है। तस्वीरों में देखिए, आतिशबाजी हो रही है। तमाम जो क्रिकेट प्रेमी है, ये बच्ची भी है, उससे बात करेंगे। टीम इंडिया जीत गई, कैसा लग रहा? बहुत अच्छा लग रहा है। अब फाइनल खेलेगी, वर्ल्ड कप जिता रही? बिल्कुल जीतेगी। कब से आप लोग मैच देख रहे हैं? आज इंडिया ने अच्छा खेला, मोहम्मद शमी ने 7 विकेट लिया। इंडिया ने बहुत अच्छा खेला और मोहम्मद शमी ने बहुत अच्छा खेला और 7 विकेट लिए उन्होंने। बस आगे क्या कहेंगे? वर्ल्ड कप भी अब फाइनल देगी। आप बताइए, आप भी वर्ल्ड कप की ट्रॉफी लिए हुए, इंडिया बस वर्ल्ड कप की ट्रॉफी से कुछ दूर पर है। आज सेमीफाइनल जीत गई है, फाइनल अगला है, बस एक कदम दूर है, वर्ल्ड कप से एक कदम दूर है। और आज से ज्यादा अच्छा फाइनल मैच होगा और इंडिया वर्ल्ड कप लेके आएगी। अगला मैच आप अब किसके साथ इंडिया को फाइनल देखना चाहते हैं खेलते हुए? साउथ अफ्रीका के साथ चाहते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलने में फिर से प्रेशर वाला मैच हो सकता है। तो इजी इंडिया तो मजबूत स्थिति में, डरना क्या? इंडिया ने तो सबकी बोलती बंद कर। लेकिन साउथ अफ्रीका कई बार वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल तक पहुंचा, फाइनल कभी नहीं खेल पाया। तो मैं चाहता हूं कि इस बार इंडिया साउथ अफ्रीका खेले, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया तो कई बार आ चुका है, उसके साथ खेलने का मजा अलग होगा। लेकिन अगर ऑस्ट्रेलिया भी आता है तो डर कोई नहीं है। वर्ल्ड कप भी जो है इंडिया का ही होगा और मैं इंडिया की टीम को, BCCI को और हिंदुस्तान के जितने रहने वाले क्रिकेट प्रेमी लोग हैं सबको मैं इंडिया के सेमीफाइनल जीतने की मुबारकबाद देता हूँ। और बहुत खुशी की बात है और दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला जो है वो क्या नाम है वर्ल्ड कप भी इंडिया को जिताए। पिछले वर्ल्ड कप में हराया था, अब इंडिया ने उसका बदला ले लिया है। फिलहाल देश भर में जश्न का माहौल है, आतिशबाजी हो रही है, लोग थिरक रहे हैं। अब अगला मैच किसके साथ इंडिया का होता है, ये देखने वाली और दिलचस्प बात होगी। कैमरा पर्सन अरविंद कुमार के साथ कफीलुर रहमान, भारत समाचार, लखनऊ। डायरेक्ट कटक। आप देख रहे हैं भारत का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल भारत समाचार।